भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है, फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो तीन घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, जैसा कि आप देख सकती हैं, आपके जो निदेशक जी हैं राज्य पोषण मिशन उत्तर प्रदेश वाले, उन्होंने 12 सितंबर को यूपी में एक लेटर जारी किया और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के जितने भी जिलाधिकारी हैं, डीएम हैं, इनको लेटर भेज दिया और कहा है कि 22 सितंबर को सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ बालक बालिका की प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। तो अब यूपी में कन्फर्म हो चुका है कि सभी जो है जगह क्या होगा, 22 सितंबर के दिन स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम यानी कि स्वस्थ बालक बालिका, जिसको प्रतियोगिता भी आप बोल सकती हैं, उसका आयोजन होगा। तो इस बारे में आपको जानकारी हो जानी चाहिए और आपको कोई दिक्कत ना हो इस कार्यक्रम को मनाने के लिए, या फिर ये आपको परेशानी ना लगे कि कैसे करेंगे क्या करेंगे। तो इसके लिए एक स्पेशल जो है लेटर जारी हुआ है विभाग से, और आइए इस पर चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कैसे क्या काम करने हैं, कौन कौन उसमें होगा, किसकी क्या जिम्मेदारी है। तो यहां पर आप देखिएगा, लिखा है कि महोदय उपयुक्त विषयक सचिव बाल विकास पुष्टाहार अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या दी गई है 30 अगस्त वाली, जिसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह आयोजित किए जाने के विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। पोषण माह के अंतर्गत ही स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से इसका आयोजन एक प्रमुख गतिविधि है और महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या दी गई है 20 अगस्त की और यहां पर 31 अगस्त की, जिसके द्वारा पोषण माह के अंतर्गत स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता के आयोजन के निर्देश पहले भी दिए गए हैं। तो आइए इसके बारे में देखते हैं जो कि 22 सितंबर को मनाना है और कैसे मनाना है, क्या इसके निर्देश हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि दिनांक यहां पर 22 सितंबर को समस्त बाल विकास परियोजना कार्यालयों में और समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी, तो समस्त आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य सुपोषित उत्तर प्रदेश की परिकल्पना को साकार करना है और इसकी सफलता में स्वास्थ्य विभाग, ग्राम प्रधान और पोषण पंचायत, इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस संबंध में शासनादेश दिनांक 30/8/22 इसमें विस्तृत उल्लेख है। इस गतिविधि के आयोजन में निम्नमत जो है कार्रवाई भी अपेक्षित है। अब कार्रवाई पर हम लोग फोकस करते हैं, क्या कार्रवाई अपेक्षित है। पहला पॉइंट इन्होंने कहा है कि इस गतिविधि का मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष तक के बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाना और पोषण की महत्ता पर जागरूकता बढ़ाना और एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का वातावरण बनाना है। दूसरा पॉइंट है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा इस संबंध में बच्चों के अभिभावकों, पारिवारिक सदस्यों, इनको जागरूक किया जाएगा और प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करने के लिए उनको प्रेरित किया जाएगा। ग्राम प्रधान, पंचायत सदस्य, इनके माध्यम से बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण, इनके महत्व के संबंध में जागरूकता भी लाई जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से बच्चों का स्वास्थ्य का परीक्षण भी कराया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर साफ सफाई रखी जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, ग्रोथ चार्ट और कम्युनिटी ग्रोथ चार्ट, इनकी उपलब्ध जो है यहाँ पर उपलब्धता कह सकते हैं, वो भी सुनिश्चित कराई जाएगी। इन्होंने केवल उपलब्ध लिख दिया, उपलब्ध सुनिश्चित कराई जाए, जबकि उपलब्धता लिखना चाहिए था। अब आगे लिखा है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों का वजन लेने के पश्चात वजन, लंबाई, ऊंचाई, इसकी फीडिंग पोषण ट्रैकर पर की जाएगी। तो देखो, फीडिंग तो हर महीने मैंने कहा है बहने जो है करनी होती है, तो उनको आप करती हैं, इस बार भी करनी है। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के टीकाकरण और अनुपूरक पोषाहार प्राप्त करने से संबंधित अभिलेख भी रक्षित किए जाएं, तो यह भी ध्यान देना है। स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा के आयोजन में स्थानीय संस्थाओं, स्वयं सहायता समूहों, शैक्षणिक संस्थाएं, यूथ क्लब, लायंस क्लब, रोटरी क्लब, आशा बहने, एएनएम बहने, आईएमए वाले आदि का सहयोग भी लिया जाएगा। तो इतने सब लोग हैं जो कि इस काम में सहयोग करेंगे। आगे है, इस स्पर्धा को एक त्योहार उत्सव के रूप में मनाया जाएगा तथा समुदाय में स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा जागरूकता उसके लिए लाई जाएगी। स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा के आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी प्राप्त की जाएगी और स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता के आयोजन के पश्चात जो भी बच्चे स्वस्थ और सुपोषित होंगे तथा जिनको पूर्व निर्धारित सेवाएं मिली हैं, उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा। शासनादेश दिनांक 30 अगस्त का, जिसके क्रम में पुरस्कार के लिए स्वस्थ बालक बालिका चयनित किए जाने के मानक दे दिए
दिए गए हैं, तो मानक को देख लो। लेकिन जहां तक मुझे पता है अभी तक ऐसा संज्ञान में नहीं आया है कि इस प्रतियोगिता के जरिए उनको गिफ्ट क्या दिए जाए और इसका खर्चा कौन देगा। गवर्नमेंट ने क्या प्रतियोगिता करवाने के लिए और उसमें जो भी ये कह रहे हैं कि उनको वहां पर जो है ये वो पुरस्कार दिया जाए, क्या उसके लिए राशि का प्रावधान किया है। अब देखो मानक दे दिए गए कि मासिक वृद्धि निगरानी 5 अंक उसके मिलते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथ नाखून काटना, ये हाथ की सफाई, नाखून काटना, ये सब हो गया, इसके लिए 10 अंक जो है प्रस्तावित होते हैं। तो ये जो भी बच्चा का साफ सफाई सब कुछ चेक किया जाएगा, वृद्धि निगरानी सब चेक किया जाएगा, उस हिसाब से उसको अंक दिए जाएंगे, किसका कैसा जो है वहां पर स्वास्थ्य है और कैसे किसमें सुधार हुआ। पोषण की श्रेणी, जैसे ऊंचाई लंबाई, इसके सापेक्ष वजन हो गया, जो लगातार सामान्य श्रेणी में हो अथवा सैम से मैम या फिर मैम से सामान्य श्रेणी में आए हो उनको 10 अंक दिए जाते हैं। आहार की स्थिति, 6 माह तक जो है केवल स्तनपान, ठीक। अब 6 माह से 3 वर्ष तक प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन करें, 3 से 5 वर्ष के बच्चे प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन करें और आंगनबाड़ी केंद्रों पर उनकी उपस्थिति भी देखनी है जो पढ़ने आते हैं, इसके लिए 10 अंक आयु के अनुसार वो दिए जाएंगे। अब ध्यान देना, यहां पर पोषाहार तो ले जाते हैं लेकिन वो लाभार्थी बेचारे खा कहां पाते हैं, उनके घर वाले ही जो है उन चीजों को डकार जाते हैं, तो ये करवा सकते हैं। तो ये तो बस एक दिखावटी हो गया, 6 माह से 3 के हो या 3 से आपके 5 के या 6 के हो, जो भी बच्चे हैं वो वहां पर वो राशन अपना वो खुद खाएंगे और उनके फिर पोषण की स्थितियों में सुधार होगा, ये तो बस देखने के लिए हो गया, कागजों पर खाना पूर्ति हो गई, नहीं तो ज्यादातर राशन जाता है, घर वाले ही खाते हैं और उनकी श्रेणी में सुधार नहीं होता। गवर्नमेंट चाहे जितना देगी सुधार नहीं होगा क्योंकि वो उनको मिल ही नहीं रहा, ना ही उनको वो उस कैटेगरी से दिया जा रहा है और ना ही कुछ उसमें सुधार में कुछ चीजें की जा रही हैं। अब आयु आधारित टीकाकरण, उसके लिए 10 और डीवर्मिंग के लिए 5, कुल मिलाकर के 50 अंक की प्रतियोगिता और उस हिसाब से वहां पर सम्मानित किया जाएगा। तो ये हो गया पूरा स्पर्धा को लेकर के। नीचे लिखा गया कि जिस बच्चे को पुरस्कृत किया जाना है उसका चयन करने के लिए निम्न सदस्यों को ग्राम स्तर पर नामित किया जाता है, जैसे कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिका दी गई है और पोषण पंचायत के सदस्य हैं, ग्राम सभा के प्रतिनिधि हैं, ANM है, आशा है, स्थानीय शिक्षक है, ये सब लोग मिलकर के उनका चयन करेंगे और अंक वंक वाला जो भी निर्धारण है वो सब वो करेंगे। आगे इनका क्या कहना है, और ये लेटर जो आप देख रहे हो ये कपिल सिंह जी का है, आपके निदेशक हैं, उन्होंने ही 12 सितंबर को जारी किया है। अब इसमें लिखा है कि स्वस्थ बालक बालिका प्रतियोगिता, इसके पश्चात ग्राम पंचायत स्तर पर दिनांक 2 अक्टूबर को पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन होगा, 22 सितंबर को जो है यहां पर ये सब होगा, पुरस्कार का जो वितरण है वो कब होगा, वो 2 अक्टूबर को होगा, 22 के आपको ये सब चीजें करनी है, कार्यक्रम बनाना है, अंक वंक वाला वो सब हो जाएगा, लेकिन पुरस्कार वितरण 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन होगा। अब आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों की रैंकिंग प्रथम, द्वितीय और तृतीय इसके रूप में की जाएगी और बच्चों के जो माता पिता हैं विशेष करके माताओं को प्रमाण पत्र भी जो है उपलब्ध कराया जाएगा। प्रतियोगिताओं में स्वस्थ पाए गए बच्चों को उनकी रैंकिंग के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र स्थानीय स्तर पर निर्मित जो भी खिलौने आदि से पुरस्कृत वगैरह रूप से उनको जो है यहाँ पर पुरस्कार दिया जाएगा, यानी कि पुरस्कार के रूप में उनको दिए जाएंगे। तो ये तो दे दिया गया। आगे लिख दिया गया कि 22 सितंबर को समस्त बाल विकास परियोजना, समस्त आंगनबाड़ी केंद्र पर इसका जो है यहाँ पर सफल आयोजन करवाओ। अब देखो, लेकिन पुरस्कार देने के लिए कह दिया जो भी स्थानीय लेवल पर उपलब्ध हो जाएंगे, निर्मित होंगे, ठीक। अब वो निर्मित तो होंगे, क्या फ्री में कोई चीजें स्थानीय लेवल पर भी निर्मित हो जाती हैं क्या, जो वहां पर फ्री में बांट दी जाएंगी। अब वित्तीय प्रावधान कहां है इस चीज का, विभाग जो इसके लिए पैसा कहां भेजा है, अब उसका प्रावधान कहां है, तो उसको भी तो लिखना चाहिए था किस कैटेगरी के प्रथम श्रेणी को क्या कितनी कीमत तक का क्या देना चाहिए और उसका प्रावधान कहां है, वहन कौन करेगा, गवर्नमेंट कैसे भेजेगी, कब भेजेगी। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं, बस ऐसा कर दो। अब ये जो है अपने आप में आप समझ रहे हैं कि किस तरीके से किस लेवल पर ये चीजें मनाई जा रही हैं। अब जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो फिर कैसे मनाई जाएंगी नीचे, अब जबरदस्ती क्या ये चीजें कराई जा सकती हैं। तो सोचिए इन चीजों को लेकर के, गवर्नमेंट खुद ही लगता है इन चीजों के प्रति ज्यादा वो नहीं है, बस प्रचार प्रसार करवा रही है ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद उसके लिए उतना सक्षम नहीं है, सुपोषित करने के लिए इतना सब जो है ये कर रहे हैं लेकिन इनसे जो है दोपहर का खाना जो है नहीं बन पा रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए यूपी में। अदर स्टेट दे रहे हैं, यूपी में नहीं दे पा रहे हैं, क्यों नहीं दे पा रहे हो, पहले तो मिलता था अब क्यों बंद करवा दिया, तो अब तो दो अगर बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, भूखे बैठे रहेंगे क्या पूरा दिन। तो ये समस्याएं हैं और ये मना रहे हैं जो है कुपोषण को भगाना है, सुपोषण सप्ताह, सुपोषण माह, ये सब मनाते रहेंगे, स्पर्धा कार्यक्रम चलाएंगे,
ये दुनियादारी फलाना ढिमका सब कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये दोपहर के खाने का बंदोबस्त नहीं कर पा रहे हैं। और धन्य की बात है, बाल विकास विभाग में राजमंत्री जी, उनको भी कोई लेना देना नहीं है, क्या पिछली वाली क्या नई वाली, अब ध्यान ही नहीं है किसी का इस जो है मैटर पर। कई बार आवाज उठाई गई और ना यूनियन वाले मांग कर पा रहे हैं कि जो है दोपहर का खाना नहीं मिलता बच्चों वहां पर, वो कैसे पढ़ेंगे, कार्यकर्तियों को परेशानी हो रही है, बच्चे भूखे बैठे रहेंगे, कैसे सुपोषित हो जाएंगे। अरे इन मैटरों को भी तो आप हाईलाइट करो, उनको भी तो आगे बढ़ाओ, इस पर भी तो आवाज उठाओ कम से कम। तो यहाँ पर आगे चलते हैं और आपको बताते हैं, जैसे कि ये अंगूर कली बहन है इलाहाबाद से आती हैं, जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई। कुछ और भी बहनें हैं, मासूम बानो है कौसाम्बी से आती हैं, उनके द्वारा ये फोटो भेजी गई। और एक ये बहन है उषा देवी जालौन से आती हैं, उनके द्वारा फोटो भेजी गई। और ये बहन है सरोज पाठक गोंडा से आती हैं, वहां पर गोद भराई दिवस की एक फोटो भेजी गई। ये है अफसाना बहन बहराई से, उनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई। और ये एक बहन है अनीता जो कि बिजनौर से, उनके द्वारा एक फोटो भेजी गई। और ये यहाँ पर सुशीला बहन गोंडा से, उन्होंने देखो डबल डबल फोटो भेज दी है। सुधा बहन आजमगढ़ से, वहां से एक फोटो आई है। तो आज का ये वाला वीडियो इसको हम यहीं तक रखते हैं।